गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू हैशटैग अंशु व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, टुडे इट्स अ फ्रेश न्यू मॉर्निंग। आप देख सकते हो आज धूप निकला हुआ है, बहुत ही खुशी का बात है हमारे लिए, क्योंकि घूमने आए हुए हैं खर्चा करके तो ऐसा लगता है यार बारिश बारिश में मज़ा नहीं आता घूमने के लिए। तो एनीवेज टुडे इट्स अ न्यू डे, अभी निकलेंगे नाश्ता करने के बाद एंड ऑन दी वे हम लोग निकलेंगे स्नो पॉइंट की तरफ। और कहाँ जाएंगे वो सब मैं आपको गाड़ी में धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप बताते हुए निकलूँगा। तो फिलहाल के लिए नाश्ता करते हैं एंड देन तुरंत निकलते हैं। राइट नाउ इट्स 8:20 एंड वी लीव इन 10 to 15 minutes, देन लेट्स डिसाइड कैसा होता है दिन। चलो गाइज, जस्ट लुक एट दिस व्यू फ्रॉम माय होटल रूम। काफ़ी दिनों बाद आज वेदर बहुत बढ़िया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा सनलाइट निकला है, तो आप देख सकते हो रूम से जो व्यू है इट्स लाइक अमेजिंग। ये होटल का मैं सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा। यहाँ से व्यू जो है इट्स अमेजिंग अमेजिंग, आप देख सकते हो ये व्यू है। बारिश के चक्कर में ये व्यू हमें दिख ही नहीं रहा था, बट जस्ट लुक एट दिस गाइस, इट्स अमेजिंग। सुबह उठोगे और ये व्यू अगर दिख जाए ना तो दिल खुश हो जाएगा। चलो गाइज, अभी निकल चुके हैं हम लोग नाश्ता करके, स्नो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। सर जी, हम लोग जिधर जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कोक्सर, कोक्सर जा रहे हैं भाई हम लोग। ये टूवर्ड्स रोहतांग है, बाकी रोहतांग से काफ़ी पहले, 19 किलोमीटर पहले, रोहतांग से 19 किलोमीटर पहले लगता ही है। तो फिलहाल हम लोग वहाँ के लिए निकले हैं। आप सामने का व्यू देख सकते हो, आज वेदर काफ़ी बढ़िया है, इट्स ऑसम। गाइज, ऑन दी वे टू कोक्सर हम लोग यहाँ पे बीच पे रुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप नंबर्स लगे हुए हैं, तो ये हम लोग शॉप नंबर 195 समथिंग है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। तो यहाँ पे सब लोग को जो भी है बर्फ़ के लिए ड्रेस के लिए ड्रेसअप कराया जा रहा है, हम भी ड्रेसअप करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट रेट्स कॉमन है, 250 rupees आपको पूरा ड्रेस पहना देंगे एंड उनका शूज़ होगा बड़ा वाला, जो कि बर्फ़ के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके साइज़ के हिसाब से चॉइस करके इन लोग पहना देंगे एंड देन पहन लिए। चलो अभी इन लोग शूज़ भी पहनेंगे, तो चलो अभी मैं भी पहनता हूँ, देखते हैं। तो गाइज, वी आर गेटिंग रेडी फॉर स्नो। तो गाइज, हम लोग एस्ट्रोनॉट बन के निकल चुके हैं अभी एस्ट्रोनॉट वाला ड्रेस पहन के कोक्सर की तरफ अभी निकल चुके हैं। रास्ता काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अभी तक तो फिलहाल ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक आगे तो हो सकता है। अटल टनल क्रॉस करते हुए हम लोग कोक्सर की तरफ जाएंगे, देन वापसी के टाइम हम लोग और भी 2-3 स्पॉट्स पे जाएंगे, तो वो मैं धीरे धीरे आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल कोक्सर जाएंगे, बर्फ़ का फुल मज़ा लेंगे, वहाँ पे राइड्स वगैरह भी होते हैं तो उसका भी बुकिंग नीचे ही हो जाता है। बट एनीवेज फिलहाल हमने नहीं किया हुआ है, लेट्स सी व्हाट विल डू लेटर ऑन। तो फिलहाल के लिए लेट्स एन्जॉय। तो हमारे जो पायलट साहब है ये आपको बताएंगे आगे का। सर जी, रोहतांग कब से खुलने वाला है? 10-12 मई से, 12 मई के बाद एक खुलेगा। अच्छा, 12 मई के बाद। गाइज ध्यान रखना, फिलहाल अभी रोहतांग बंद है क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे बर्फबारी हुआ था, तो टोटली क्लोज्ड है। वहाँ पे आपको मिलिट्री का परमिशन लगता है, देन यू कैन गो ओवर देयर। तो फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं कोक्सर, जो कि उससे काफ़ी नीचे है, 19 किलोमीटर नीचे है, 19-20 किलोमीटर नीचे है। तो ये सर जी का नंबर भी मैं YouTube पे डाल, अपने इस पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 100% इनको कांटेक्ट करना, कुछ भी रहेगा ये आपको यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा लेके जाएंगे। रोहतांग पास को भी आपको जाना है तो ये आपको गाइड कर देंगे पूरी तरीके से। तो इनका कांटेक्ट नंबर वगैरह मैं अंदर शेयर कर दूंगा। और सर जी, आपका नाम? नीरज सिंह। तो चलिए सर, अभी सर जी हमें लेके जा रहे हैं, लेट्स सी कैसा होता है राइड। चलो मिलते हैं। तो गाइज, ये सोलांग वैली 3 किलोमीटर्स बाकी भी यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड ये आगे का व्यू देखो गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। ये एक ब्रिज आ गया है, ये ब्रिज का नाम क्या है सर? पलचान ब्रिज। OMG, लुक एट द ब्रिज गाइस, इट्स टोटली यूनिक, बहुत बढ़िया। गाइस ये सोलांग वैली, ये आप देख सकते हो, ये ऊपर रोप वे दिख रहा है,
तो ये बेसिकली जो है ये हम लोग आते टाइम एक बार नज़र मार लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि ये पूरा खाली हो चुका है, ड्यू टू समझो अभी बर्फ़ नहीं होता ये टाइम पे। यहाँ पे आप दिसंबर वगैरह में आओगे तो यहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगा, आपको ऊपर तक जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपको ऊपर तक का परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा बैरियर लग जाता है आगे की तरफ, तो आपको यहीं पे तभी मज़ा लेना होगा, यहीं पे आपको सब कुछ स्काइंग वगैरह जो कुछ मिल जाएगा। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग को ऊपर की तरफ निकलना है। गाइज जो सबसे फेमस टनल सबने सुना हुआ है, देखा हुआ है, अभी वो हम एंटर करने जा रहे हैं, वो है अटल टनल। इस टनल ने काफ़ी हद तक रास्ते हमारे क्लियर कर दिए और काफ़ी हद तक शॉर्टकट कर दिए। तो अभी यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे अटल टनल में, और ये है करीबन 9 किलोमीटर का टनल जो कि काफ़ी बड़ा हो गया। तो यहाँ से अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो गाइज हम लोग अभी अटल टनल के पास खड़े हैं, सोचा थोड़ा यहाँ पे उतर के फ़ोटोशूट कर लेते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल ट्रैफिक जाम नहीं है, तो आते टाइम शायद ट्रैफिक जाम लग जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुक के अभी थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेंगे एंड देन फिर निकलेंगे अटल टनल से सीधा कोकसर के तरफ। तो सबको अपना अपना व्यूज़ पूछते हैं कैसा लग रहा है उनको राइड। मैडम, ओ मैडम कैसा लग रहा है राइड? मम्मी मज़ा आ रहा है कि नहीं? मम्मी दारुण बोल रही है, दैट मीन्स बहुत बढ़िया लग रहा है, खूब सुंदर, मतलब बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली दिस थिंग्स कैन नॉट बी डिस्प्लेड ऑन कैमरा, मतलब ये मोबाइल में आप कैप्चर नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब तक आप खुद आके सामने से देखोगे नहीं तब तक आप इस चीज़ को फील कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एनीवेज आपको सब पूरा वीडियो बताऊँगा, और ये मेरी सिस्टर एकदम फुल जैकेट वैकेट पहन के तैयार, पप्पा पीछे तैयार, कैसा लग रहा है? पप्पा ज़्यादा YouTube में एंटर करते नहीं है, अभी हम लोग लेके आए हैं, पकड़ के लेके आए हैं, यहाँ से धुआं निकल रहा है बट वो फिलहाल आपको दिखेगा नहीं कैमरा में। चलो अभी यहाँ पे फोटोशूट कर लेते हैं एंड देन थोड़ी देर में वापस मिलते हैं। Here we go guys, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं the अटल टनल। ये आप देख सकते हो अटल टनल हम लोग एंटर कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज टनल, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 9 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी कैसा बना है ये टनल। गाइज इस टनल का जो स्पेशलिटी है वो है कि इसमें इन्होंने डोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप डोर्स देख सकते हो, ये डोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस डोर्स का जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ, कभी अगर ये टनल ब्लॉक हो जाए या कोई डिज़ास्टर हो जाए या कोई कुछ भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिस वजह से आपको गाड़ी में अटक गए हो, तो पब्लिक यहाँ पे अटकनी नहीं चाहिए, उस वजह से इन्होंने ये डोर प्रोवाइड किया हुआ है। तभी ऑटोमेटिकली ये डोर्स ओपन हो जाएंगे एंड देन पब्लिक क्लाइम डाउन करके नीचे से बाहर निकल सकती है। तो काफ़ी अच्छा थिंकिंग है ताकि कोई तकलीफ नहीं आए, तो चलो बढ़िया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने स्पीड लिमिट भी मेंशन किया हुआ है एंड कितना किलोमीटर्स बाकी है वो भी आपको दिख जाएगा थोड़े बड़े। अटल टनल कंप्लीट हो चुका है और ये देखो निकलते ही व्यू देख लो। और ये वो ब्रिज, वेलकम्स टू चंद्रा ब्रिज। अच्छा, लेफ्ट साइड आप देखोगे तो लेह का रास्ता है, कारगिल है, श्रीनगर है, और राइट साइड में हम लोग आएंगे रोहतांग, स्पीति। अच्छा, और हम भी जिधर जा रहे हैं वो यही तरफ है। तो चलो, अच्छा तो गाइज ये सिसु पॉइंट है, आपने काफी ब्लॉगर्स के इसमें देखा होगा ये सिसु पॉइंट है, बट अभी आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ ऑलमोस्ट बर्फ खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग सिसु पे नहीं रुकने वाले, हम लोग सीधा कोकसर निकल रहे हैं क्योंकि कोकसर में अभी बर्फ काफी ज्यादा मिल जाएगा। तो चलिए कोकसर पहुंचते हैं एंड देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस हमने जो वो ब्रिज क्रॉस किया उसके बाद हमने कुल्लू वाला जो डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया एंड देन हम लोग ये कौन सा लाहौल स्पीति
लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हम लोग घुस चुके हैं। हिमाचल में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से समझो ये हम लोग सेकंड डिस्ट्रिक्ट में घुस चुके हैं। ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट व्यू देखो गाइस, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट कोकसर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ वहाँ हर जगह पे गाड़ी पार्किंग किया हुआ है, क्यों एक लिमिट तक ही अभी हम लोग जा पाएंगे, उसके बाद हमें उतरना पड़ेगा एंड देन वॉक करके आगे की तरफ देखना पड़ेगा स्नो कहाँ पे मिलता है। वैसे तो स्नो है हर जगह पे, बट खेलने लायक स्नो कहाँ पे मिलेगा वो हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी किधर तक गाड़ी पहुँचता है एंड देन वहाँ से हम लोग वॉकिंग करेंगे। सर जी हम लोग को कोशिश कर रहे हैं जिधर तक पहुँचा पाएंगे तो वहाँ तक पहुँचाएंगे, उसके बाद हम लोग को वॉक करना है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, इसके आगे आपको जाना अलाउड नहीं है, बाय रोड मतलब गाड़ी अलाउड नहीं है। तो यहाँ से सब वॉकिंग वॉकिंग जा रहे हैं टूवर्ड्स स्नो। हम लोग अभी निकले हैं स्नो की तलाश में, एक्चुअली स्नो तो दिख रहा है बट कहाँ उतरने मिले वो देखते हैं अभी। तो चलिए आगे जाते हैं। तो हियर इट इज कोकसर ब्रिज। ये कोकसर ब्रिज हमने क्रॉस किया अभी जस्ट, ये कोकसर ब्रिज क्रॉस करके हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वॉकिंग ही आपको मोस्टली जाना है, बट आपको काफ़ी अंदर तक अगर जाना है तो आपको ये गाड़ी यहाँ से हायर करना पड़ेगा। एक गाड़ी में दो जन अलाउड है। तो गाइज हम लोग ने दो तीन जगह छोड़ के अभी नेक्स्ट वाले स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीछे वाला जो मैंने पोर्शन देखा वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो चुके थे ऑलरेडी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं तो शायद आगे जाके बेटर व्यू मिल जाए या फिर थोड़ा खाली मिल जाए। तो एक्चुअल में आगे की तरफ थोड़ा खाली है, आप देख सकते हो टोटली वाइट वाइट है। तो विल गो ओवर देयर एंड देन आगे देखते हैं। तो हियर वी गो, सबने क्लाइंबिंग चालू कर दिया है, रोप पकड़ के हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, काफ़ी स्लिपरी है तो टेक केयर गाइस, सेफली चढ़ना है। एट लास्ट हम लोग ऊपर पहुंचे। यो वी आर, बर्फ में बैठे नहीं है, स्लिप हो गए तो बैठने का एक्टिंग कर रहे हैं, और ये देखो सबके सब गिरे पड़े मज़ा ले रहे हैं, और ये मैं सो गया। वाह अमेजिंग, और ये बर्फ सीधा उनके ऊपर। हियर वी गो, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोशूट स्टार्ट हो चुका है, कैमरामैन जी आ गए हैं, मम्मी पापा का फोटोशूट चल रहा है, थोड़ा बहुत फोटोशूट भी करवा लेते हैं। बढ़िया है बढ़िया है, अभी इसके बाद हम भी क्लिक करवाएंगे, इनका भी क्लिक करवाएंगे, उनका भी क्लिक करवाएंगे। मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया।
तो गाइस इसको बोलते हैं मस्ती। कैसा लग रहा है? ठंडी से हालत खराब है गाइस, बट मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैंने अभी मोबाइल को बर्फ पे रख दिया है एंड सीरियसली ऐसा लग रहा है बचपन आ गया है। मतलब बच्चों जैसा खेलने का, मस्ती करने का मन कर रहा है। सीरियसली इट्स ऑसम। ये देखो सो सॉफ्ट, सो सॉफ्ट। ये देखो ऊपर की तरफ से कूद रही है नीचे वापस, बट बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। यो चलो अभी इधर से निकलेंगे, बहुत मस्ती कर लिया तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली अभी अलविदा बोलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा यहाँ से। चलो आगे का जर्नी फिर वापस स्टार्ट करते हैं। और ये हमने कोई राइड लिया नहीं है, बहुत कॉस्टली था तो यहाँ पे हम लोग खुद ही राइड करते हुए नीचे उतर रहे हैं। देख सकते हो पीछे, ये किसी राइड से कम नहीं है। ऐसे डायरेक्ट उतरते जाओ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब रुकना पड़ेगा। आ जाओ, राइड का किसी को जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही उतरते रहो। किसको चाहिए राइड, ऐसे ही उतरो। अरे आस्ते। गाइस मजा किस चीज को कहते हैं। बर्फ से उतर चुके हैं हम लोग, फुल ठंडी से हालत खराब है और सामने आपको ऐसा मिल जाए फूड वैन, तो और क्या चाहिए। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिया है हमने, वेजिटेबल मोमो लिया हुआ है। और दूसरा क्या लिया हुआ है, मैगी लिया, वेजिटेबल मैगी। इसका ऊपर वेट रहने से इतना भूख लगा, हाँ सहन नहीं हो रहा है भाई। अच्छा तो मैगी भी खाएंगे? मैगी पसंद है, चलो बढ़िया है, मैगी भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। और अब तो मजा लीजिए, यहाँ पे गाड़ी जा रहा है वो देखिए, सब देखिए, बस देखते रहिए। श्रीवल्ली नैना। यहाँ पे सबका अपना ही मस्ती चालू है, क्या चालू है किसी को भी नहीं मालूम। पापा चार हाथ लेके अपना ही मस्ती में धुन है। एक्चुअली यही होना चाहिए, अब आप अपने अपने मजे करो, दुनिया क्या कह रही है पहाड़ में जाए, डोंट वरी अबाउट इट, एंजॉय, हैव फन। और ये नेक्स्ट मेनू आ चुका है, मैगी। कितने का ये मैगी? 60 रुपीज। ठीक है, इस व्यू के साथ आपको अगर ये मैगी मिले तो भाई चलता है, वर्थ इट है। 60 रुपए का है बट वर्थ इट, एंजॉय। 10-20 रुपए के लिए हेरा फेरी करके क्या हमने बिल्डिंग बनाना। सही बात है। अब बढ़िया बनाओ, एकदम मजा आ जाएगा। आप अंडा फ्राई एकदम बढ़िया बनाओ, आप आ जाओगे, पूरा दुनिया देखेगी आपको। और ये दो चम्मच। वाह एकदम मोटा है, मस्त है, खाओगे? पप्पा अभी बोल रहे हैं कि कश्मीर जाके भी कोई डर लगने वाला नहीं है। आने से पहले ऐसा था कि कैसे ठंडी को सहन करेंगे, अभी पप्पा आए यहाँ पे मजा ले लिया, अभी उनके दिमाग में बैठ गया कि बस चल जाएगा, ठंडी कितना भी सह लेंगे। क्या खा रहे हो? भुट्टा हम लोगों ने खा लिया, अभी ठंडी का टाइम है, गरम गरम भुट्टा भी खा लिया, कॉफ़ी भी पी लिया। अभी कैब की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ब्रिज क्रॉस करना है वापस, क्रॉस करके वहाँ पे हमारा कैब खड़ा होगा, तो वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे। एक बार अटल टनल के पहले जो ब्रिज था वहाँ पे थोड़ा रुक के फोटोशूट कर लेंगे, देन फिर वहाँ से टूवर्ड्स देखते हैं जहाँ पे भी लेके जाए वो। ठीक है,
ये जाते टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना रह गया था, तो वापस आपको दिखा देता हूँ। ये स्लाइड डाउन हुआ था बर्फ कुछ दिन पहले ग्लेशियर, तो उसको ही समझो अभी काट के इन्होंने रास्ता वापस क्लियर किया हुआ है। अब देख सकते हो दोनों साइड पूरा बर्फ से भरा हुआ है, तो ये उन्होंने काट के अभी समझो क्लियर किया रास्ता। तो गाइज ये हम लोग वापस अटल टनल के पास पहुंच चुके हैं। वो ग्रीन वाला जो ब्रिज हम लोग आते टाइम क्रॉस किए थे वो ब्रिज है। हम लोग ये ब्रिज के पास थोड़ा बहुत फोटो वोटो क्लिक करा लेंगे, एक आधा शॉर्ट्स वॉर्ट्स बना लेंगे, देन फिर आगे की तरफ निकलते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग चंद्रा ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं बाय वॉकिंग। हमारा जो गाड़ी है वो वहाँ पे बैक साइड पार्किंग किया हुआ है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ से वॉक करते हुए आगे की तरफ निकलते हैं, एंड देन लेट्स सी। ये हम लोग वापस अटल टनल के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से एंटर करेंगे एंड देन 9 किलोमीटर्स का टनल। ये ब्रिज का नाम है चंद्रा ब्रिज, तो हमने ये चंद्रा ब्रिज वॉकिंग क्रॉस कर लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से। बहुत ठंडा हवा आ रहा है, क्यों आप देख सकते हो ऊपर की तरफ बर्फ़ है एंड नीचे भी आप देख सकते हो रिवर का ये जो ठंडा पानी है, तो उस वजह से टोटली चिल्ड आउट प्लेस है। बहुत ख़तरनाक ठंडी हवा लग रहा है, मस्त चिल्ड हो गया है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से अभी। तो इन्होंने कहा है थैंक्स एंड विजिट अगेन, ज़रूर आएंगे, बहुत बढ़िया मज़ा आया और हल्का हल्का बारिश, क्या बात है, हमारा घूमना कंप्लीट एंड हल्का हल्का बारिश शुरू, चलो ठीक है। तो चलिए गाइस एट लास्ट आज का दिन कंप्लीट, स्नो का फुल मज़ा ले लिया। एक्चुअली इसमें भगवान जी का पूरा कृपा है, क्योंकि आप जानते थे यहाँ पे बारिश के चक्कर में हमारा घूमने का हालत ख़राब था, बट एनीवेज आज वेदर इतना बढ़िया दे दिया भगवान जी ने, मज़ा आ गया सीरियसली, मतलब स्नो में खेलने का मज़ा आ गया, वेदर इतना बढ़िया था कि फुल एंटरटेनमेंट मेरे फैमिली ने पूरा इंजॉय किया। एंड आपको व्लॉग में तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग ने किस तरह से पागलपंती किया, मस्ती किया। तो एनीवेज एट लास्ट हम लोग घर पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है अभी, क्योंकि हम लोग पूरे दिन स्नो में ही आज टाइम पास कर दिए, आज हम लोग ज़्यादा जगह पे गए नहीं, तो बस क्योंकि एक्चुअल हम लोग का मेन मोटो यही था कि मनाली में आना है, मतलब स्नो का फुल मज़ा लेना है, तो हम लोग ने ले लिया, इट वॉज वर्थ इट। तो एनीवेज आज फुल टायर्ड हो गया है, गला भी बैठ गया है थोड़ा, कि मतलब फुल धमाल किए, स्लाइडिंग किए, ये किए, बर्फ़ लेके मस्ती, तो थोड़ा टायर्ड लग रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल सोने का तैयारी कर लेंगे, कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग उसमें हम लोग निकलेंगे कसोल के तरफ, यहाँ से हम लोग निकलेंगे मणिकरण से कसोल, कसोल में हम लोग स्टे करेंगे कैंप पे एंड देन वहाँ से अमृतसर निकल जाएंगे। तो एनीवेज ये व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, अंटिल देन गुड नाइट, गुड बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल बटन, ताकि हम व्लॉग्स जब भी अपडेट करते रहे तभी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए बाय।